पिछले क्लास में हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन चैन रूल से सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन या चैन रूल या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, यह तीनों बात एक ही हैं, इस तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले चार वो रूल समझेंगे। पहला, लेट y बराबर अंडर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर हाफ, पावर को पीछे फेंका, पावर में से एक घट गया, माइनस हाफ, नीचे आया प्लस हाफ, यह हो गया आपका वन बाई टू रूट एक्स। अब यह हम लोग सदा के लिए फॉर्मूला के तरह यूज करेंगे कि डी रूट के अंदर जितना है उतना ही यदि नीचे है तब इसका डिफरेंशिएशन होगा वन बाई टू रूट अंडर एक्स, माने टू रूट के अंदर जितना है उतना। अब इस पर हम लोग दो सवाल सीखें। पहला, लेट वाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डी रूट अंडर साइन एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पर इस रूल का हम लोग यूज करेंगे, तो यह रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि रूट के अंदर है उतना ही नीचे होना चाहिए, तो जितना रूट के अंदर है उतना हम लोगों ने नीचे लिख दिया। अब इतना एक्स्ट्रा लिख दिए तो इतना एक्स्ट्रा से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, और डी एक्स था तो डी एक्स लिख दिए। अब ये रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, माने रूट साइन एक्स है तो वन बाई टू रूट साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का जो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कॉस एक्स होता है। अब यह आपका आ गया कॉस एक्स बाई टू रूट साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई बराबर रूट अंडर एक्स साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डी रूट अंडर एक्स साइन एक्स बाई डी एक्स। अब जितना रूट के अंदर है उतना हम लोग नीचे लिख दिए, फिर इतना से मल्टीप्लाई कर दिए, डी एक्स था तो डी एक्स लिख दिए। रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, और यह फर्स्ट इंटू सेकेंड पर टूटेगा, तो पहला डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। अब साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स वन हो गया, यह आपका हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स साइन एक्स। अगला मेथड दूसरा कहता है, सुनिए, साइन के एंगल में जितना फंक्शन है वही जब नीचे होगा, जितना एंगल में है उतना ही जब नीचे होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। इसी तरह से यदि कॉस रहता तो कॉस के एंगल में जितना है उतना ही नीचे होना चाहिए था, टैन रहता तो टैन के एंगल में जितना होता उतना ही नीचे होता। तो साइन के एंगल में एक्स है और जितना एंगल में है जो फंक्शन वही फंक्शन नीचे हो तो यह कॉस एक्स हो जाता है। अब इस पर हम लोग दो क्वेश्चन देखें। वाई बराबर साइन एंगल में एक्स टू द पावर एन देन डी वाई बाई डी एक्स डी साइन एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स डी साइन एक्स टू द पावर एन। अब इस रूल से जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए, उस नियम से एंगल में एक्स के पावर एन है तो नीचे भी एक्स के पावर एन होना चाहिए। अब चलिए, तो एक्स के पावर एन लिख दिए और इतना ही से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और डी एक्स था तो डी एक्स लिख दिए। साइन का आपका हो गया कॉस, और एक्स एन का पावर को पीछे फेंका, पावर में से एक घट गया। अब इसी को सिस्टमेटिकली लिख देंगे तो यह आपका हो गया एन एक्स के पावर एन माइनस वन कॉस एक्स एन। नेक्स्ट देखिए, वाई बराबर कॉस रूट एक्स। अब देखिए, देन डी वाई बाई डी एक्स डी कॉस रूट एक्स, तो एंगल में जो रूट एक्स है वही नीचे होना चाहिए, तो रूट एक्स है तो नीचे रूट एक्स लिख दिए, फिर इतना एक्स्ट्रा लिख दिए, और डी एक्स था तो डी एक्स लिख दिए। अब कॉस का माइनस साइन होगा, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होगा। अब यह आपका हो गया माइनस साइन रूट एक्स बाई टू रूट एक्स। अब तीसरा फॉर्मूला, तीसरा देखिए, तीसरा कहता है जितना का पावर है, जितना का पावर है उतना ही नीचे हो, तब पावर को पीछे फेंकता है, पावर में से घट जाता है। जितना का पावर है उतना ही नीचे हो तो पावर को पीछे फेंकता है, पावर में से एक घट जाता है। अब इस मेथड पर हम लोग सवाल देखें। y बराबर साइन क्यूब एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डी साइन क्यूब एक्स बाई डी एक्स।
अब साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो डी साइन एक्स का होल क्यूब, तो जितना का पावर है उतना ही नीचे लिख दिए, फिर इतना एक्स्ट्रा लिख दिए तो इतना एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दिए, और डी एक्स था तो डी एक्स लिख दिए। अब यह पावर को पीछे फेंका, पावर में से एक घट गया और साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, यह आपका हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट सवाल, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी के पावर एम देन डी वाई बाई डी एक्स डी ए एक्स प्लस बी के पावर एम बाई डी एक्स। अब जितना का पावर है उतना ही नीचे लिख दिए, जितना का पावर है उतना ही नीचे लिख दिए और इतना ही से मल्टीप्लाई कर दिए, और डी एक्स था तो डी एक्स लिख दिए। अब यह पावर को पीछे फेंका, पावर में से एक घट गया, अब यह बारी बारी से डिफ्रेंशिएट होगा तो ए डी एक्स बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, डी बी बाई डी एक्स 0 हो गया। अब यह आपका आ गया ए एम ए एक्स प्लस बी के पावर एम माइनस 1। तीसरा रूल खत्म हो गया। अब चौथा हम लोग देखें, चौथा कहता है डी ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई के पावर में जितना है यदि उतना ही नीचे हुआ तो इसका ज्यों का त्यों डिफ्रेंशिएशन होगा, अर्थात ई के पावर एक्स होगा। यदि ई के पावर साइन एक्स रहता है, नीचे भी साइन एक्स रहता है तो ई के पावर साइन एक्स होता है, ई के पावर कॉस एक्स रहता है, नीचे भी कॉस एक्स रहता है तो ई के पावर कॉस एक्स होता है। अब इस पर हम लोग सवाल देखें, लेट वाई बराबर ई के पावर अंडर रूट एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डी ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। अब देखिए इस रूल को पालन करेगा तो रूट अंडर एक्स है पावर में तो नीचे उतना ही होना चाहिए, फिर इतना एक्स्ट्रा लिख दिए, इतना एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दिए, डी एक्स था डी एक्स लिख दिए। ई एक्स का ई एक्स होता है तो ई रूट एक्स का ई ई रूट एक्स का ई रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। अब यह आपका आ गया ई रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। फिर नेक्स्ट सवाल इसी पर, वाई बराबर ई टू दी पावर साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डी ई के पावर साइन एक्स बाई डी एक्स डी ई के पावर साइन एक्स। अब पावर में साइन एक्स है तो नीचे साइन एक्स लिख दिए, फिर इतना एक्स्ट्रा लिखिए, इतना एक्स्ट्रा लिख दिए, और डी एक्स था तो डी एक्स लिख दिए, ई एक्स का ई एक्स होगा और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब हम लोग 2 स्टेप का फंक्शन सीख लिए, अब हम लोग सीखेंगे 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, और उसके बाद किसी भी स्टेप का होगा वह आपसे अपने बन जाएगा। तो चलिए अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 स्टेप में देखते हैं। लेट वाई बराबर अंडर रूट साइन रूट एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डी अंडर रूट साइन रूट एक्स बाई डी एक्स। अब चलिए पीछे हम लोग पढ़े कि रूट के अंदर जितना है उतना ही होना चाहिए नीचे, तो जितना रूट के अंदर है उतना ही नीचे लिख दिए, फिर इतना से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एंगल में जो फंक्शन है वही नीचे होना चाहिए, तो जितना एंगल में फंक्शन है वही नीचे लिख दिए, फिर इतना से मल्टीप्लाई कर दिए, डी एक्स था डी एक्स लिख दिए अंत में। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। अब इसको सिस्टमेटिकली लिख दिए। नेक्स्ट, फिर 3 स्टेप पर फंक्शन है, y बराबर साइन क्यूब रूट एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डी साइन रूट एक्स का होल क्यूब बाई डी एक्स। अब चलिए जितना का पावर है उतना ही नीचे होना चाहिए, तो जितना का पावर है उतना को नीचे लिख दिए, फिर इतना से मल्टीप्लाई किए। अब जितना एंगल में है उतना नीचे होना चाहिए, लिख दिए, फिर इतना से मल्टीप्लाई किए, डी एक्स था डी एक्स लिख दिए। पावर को पीछे फेंका, पावर में से एक घट गया, साइन का कॉस होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसको सिस्टमेटिकली लिख दिए। नेक्स्ट, अब देखिए 4 स्टेप और 5 स्टेप। तब पहले देखें हम लोग 4 स्टेप में, लेट वाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स। अब जितना रूट के अंदर है उस पूरे बात को हम लोगों ने नीचे लिख दिया, फिर इतना ही लिख दिया। अब चलिए फिर एंगल में जितना है उतना ही नीचे लिख दिया, फिर इतना लिख दिया। अब जितना फिर रूट के अंदर में उतना नीचे लिख दिए, फिर इतना एक्स्ट्रा लिखे, फिर इतना एक्स्ट्रा लिख दिए, डी एक्स था तो डी एक्स लिख दिए। अब यह आपका हो गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब इसको सिस्टमेटिकली लिख दिए। नेक्स्ट 5 स्टेप, लेट वाई बराबर अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। अब चलिए पहला, रूट के एंगल रूट के न अंदर में जितना बात है, रूट के अंदर में जितना है उस पूरे को हम लोगों ने नीचे लिख दिया,
फिर इतना लिख दिया एक्स्ट्रा। अब चलिए फिर एंगल में जितना है उतना नीचे लिख दिया, फिर इतना एक्स्ट्रा लिख दिया, फिर रूट के अंदर जितना है उतना नीचे लिख दिया, फिर इतना एक्स्ट्रा लिख दिया। अब चलिए फिर जितना एंगल में उतना नीचे लिख दिया, फिर इतना एक्स्ट्रा लिख दिया। रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। अब फिर इसको सिस्टमेटिकली सजा के लिख दिए, दिस इज योर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन डील करेंगे 5.2 का। यह आपका चैन रूल था और इससे रिलेटेड आप दूसरे किताब से 25-50 सवाल बनाइए कम से कम।